हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह ही सुबह उठ के हम जो कल यू नो चूड़ियाँ लेके आए थे उससे शॉर्ट्स कर रही हूँ मैं। एंड द ज्वेलरी एंड कपड़े यू जस्ट सॉ, आज तीन आउटफिट करने वाली हूँ मैं, ऑल ट्रेडिशनल लाइक राखी इंस्पायर्ड लुक। एंड आज का आउटफिट इज दिस। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट टुडेज़ आउटफिट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन माय शॉर्ट्स चैनल या इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैंने सोचा उठते ही कर लेती हूँ मैं तीनों शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लेट करूँगी तो रह जाएगा। सो एंड आज मैं इसके साथ कर रही हूँ शॉर्ट्स। एंड मेरे सेकेंड शॉर्ट्स के टाइम पे दुग्गी आके बीच में बैठ गया है। एंड वी हैव अ बैकग्राउंड चेंज एज वेल, जो कि मम्मी ने क्रिएट किया हुआ है इधर थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब देने के लिए। एंड डुग्गी भी मेरे वीडियो में आ गई है। डुग्गी, ओके, तो सेकेंड आउटफिट ऑफ द डे इज ऑल्सो डन। मतलब सारे राखी इंस्पायर्ड लुक है, एक और करना है। एंड सेकेंड आउटफिट में जैसे कि देखा डुग्गी आके बैठी हुई है। सो या सेकेंड शर्ट्स डन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। ओके, तो आज का थर्ड शॉर्ट्स इज ऑल्सो डन। दो शॉर्ट्स सिमिलर कलर्स हैं, एक ग्रीन है, बाकी दोनों रेड एंड ब्लैक, मरून एंड ब्लैक, ऐसे कॉम्बिनेशन में है। एंड कितनी अच्छी बर्ड चहक रही है। एंड आई लुक सो ब्राइट, ये रिंग लाइट है तो इसलिए आई एम लुकिंग दैट ब्राइट। एंड वी हैव अनदर डिफरेंट बैकग्राउंड जिसमें भगवान जी का फ्रेम है एंड नीचे दो दिए रखने की मूर्ति। सो या तीनों आउटफिट्स डन। एंड चूड़ियाँ, ये ब्लैक वाली तो पहली ही है, रेड इज न्यू। सो या आई एम एडिंग कंडेंस्ड मिल्क शुगर के, मतलब गुड़ के बदले कॉफ़ी में। एंड लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट। एंड येस, आई लव कोकोनट ट्रीज। शॉर्ट्स कर लिया है तीन राखी इंस्पायर्ड आउटफिट। एंड मुझे ना एक्चुअली आई टेकन अ शावर एंड अभी मुझे ये आ रहा है मन में कि मुझे एक और आउटफिट कर लेना चाहिए। मेरे मन में आ रहा है, आई डोंट नो इफ आई डू और नॉट, बट करेंटली अभी आई थिंक 11:39 हो रहा है एंड शॉर्ट्स तीनों कंप्लीट है, नहा भी लिया है मैंने। सो एंड रेसिपी भी दिमाग में तो एक बनाने का है, बट इंग्रेडिएंट्स दो के पड़े हुए, तीन के पड़े हुए घर पे। तो लेट्स सी आज भी प्रोडक्टिव डे हो पाता है कि नहीं। सो या कंडेंस्ड मिल्क की कॉफ़ी टेस्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, नॉर्मल कॉफ़ी जैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा था कंडेंस्ड मिल्क। या नॉट बैड। ओके, एक कुछ बज रहा है एंड मैंने एक रेसिपी शूट करी है विच इज़ चॉकलेट ट्रफल्स, बहुत ही अनहेल्दी, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था। So we're just eating it. फ्रीज करने रखा है, पता नहीं कब तक होगा, लेट्स सी। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स। तीन आउटफिट्स वन रेसिपी डाउन, आज इतना सारा कर लिया मैंने, सिर्फ एक ही बचा है अभी। तो आई थिंक आई जस्ट मेक अनदर आउटफिट, राखी इंस्पायर्ड लुक। साड़ी पहने का बहुत मन है, लेट्स सी इफ आई मेक इट और नो। आज ही साड़ी का तो बनाऊंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर आज या कल, देखते हैं।
डेफिनेटली मोटी होने वाली हूँ मैं बहुत जल्द, ऐसे ही खाती रही तो. एंड इट इज 2:30 करेंटली एंड आई एम हैविंग माई लंच जो है पूड़ी अकरे और दही. एंड इट्स क्वाइट सनी बाहर, बारिश नहीं आ रही आज. एंड लेट्स सी ये खाने के बाद आई माइट डू सैरी को शॉर्ट्स, लेट्स सी, आई डोंट नो. टुगी भी अपना खाना खा रही है चारों तरफ यू नो गिरा गिरा के. शी इज हैविंग दही चावल, आई एम हैविंग दिस. ओके तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है आज ही एंड मैंने कर लिया है आज का शॉर्ट्स साड़ी में भी. फर्स्ट आई थिंक री ले साड़ी मैं. या सो इफ यू आर इंटरेस्टेड चेकिंग आउट प्लेस आउट यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन माय इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. अभी मेरी फोटोज क्लिक करना बाकी है सो आई विल गो डू दैट. ओके आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल प्लेट, पहले अच्छे से देख लो. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Okay, आज मैंने chocolate truffles बनाई थी and मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे decorate करूँ table को. मतलब chocolate cocoa powder को ऐसे ही यू नो नई यू नो ये कर सकती थी स्पिल टेबल पे. तो मैंने सोचा एंड सडनली आई डोंट नो इस पर कुछ और कर रही थी मैं. मतलब बाई मिस्टेक से इस पर थोड़ा कोको पाउडर नहीं, एक्चुअली आई यूज़ ककाओ पाउडर. कोको एंड ककाओ आर डिफरेंट. तो वो थोड़ा सा गिर गया था प्लेट पे. तो थॉट अरे वाह एक्सीडेंट से हुआ ये, क्यूट सा एक्सीडेंट. फिर मैंने एक बनाया, फिर मुझे लगा एक थोड़ा एम्प्टी लग रहा है तो मैंने पूरा प्लेट भर दिया हार्ट से. इट्स सच अ क्यूट एक्सीडेंट एंड या आई कैन मतलब वाइट प्लेट पे ना और अच्छा दिख रहा है ब्राउन कलर. सो आज कितने शॉट्स बनाए मैंने, आई लॉस्ट काउंट. 4 शॉट्स एंड 1 रेसिपी. ये एक्चुअली थोड़ा बनाने में थोड़ा मेसी हो रहा था बट आई मैनेज्ड टू मेक इट इवेंचुअली. सो बन गया है 4 शॉट्स. उस दिन 4 रेसिपी थे, आज 4 आउटफिट है एंड एक रेसिपी है. एक्चुअली अच्छे से बन जाता था, 2 रेसिपी का प्लान था बट ये थोड़ा मेसी हो गया था बीच में. मतलब बट कोई नहीं, चलो फाइनली बन गया अच्छे से. एंड दिस क्यूट एक्सीडेंट ऑल्सो हैपेंड. अभी आई एम येट टू वॉश माई फेस. अभी जस्ट मैंने वीडियो शूट करके ख़त्म किया है इसका. तो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड आई थिंक 6:30 कुछ हो रहे होंगे एंड मुझे लगी है जोरो की भूख. सो आई एम हैविंग माई डिनर, तोरे की सब्जी एंड रोटी. एंड इसके बाद ना मुझे 2 और रेसिपी शूट करने का मन है. लेट्स सी इफ़ आई शूट द ब्लॉग वो करने के बाद एंड करूँगी, इफ नॉट ऐसे एंड कर दूँगी. सो फिलहाल खाना खा के देखते हैं क्या होता है. तो आज रात को मैंने एक और रेसिपी बना दी है विच इज़ दिस फ्रूट पार्फे. ओहो सुंदर एंड हेल्दी क्रीमी पार्फे एंड ये डुगी. ये तो क्रीमी है ही, वाइट. सो 1 डन एंड एक और ओवन में रखा है बनने के लिए. सो या दिस मैं खाऊंगी इसको ब्रेकफास्ट में, फ्रिज में रख दूंगी ओवरनाइट. सो या तो दिस इज़ द सेकेंड रेसिपी जो मैं बोल रही थी. इट इज़ स्टार फ्रूट चिप्स. कितना अच्छा लग रहा है स्टार शेप का फ्रूट. एंड फर्स्ट टाइम मैंने इसको आज टेस्ट किया, मतलब कल इसका रिव्यू दूंगी व्लॉग में. ये स्टार फ्रूट चिप्स डन. ओके तो मैंने आज के जो जो रेसिपी सोच के रखे थे सारे डन. एंड सारे का मैंने सोचा था करने का वो भी डन. सो इट्स 3 रेसिपीज एंड 4 आउटफिट्स आज. वाओ इट वाज अ प्रोडक्टिव डे. एंड अभी 8:30 नहीं आई थिंक 9 बज रहे हैं. या सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय माय टुडेस वीडियो. हैव फन विद दैट्स ऑल फेस व्लॉग. स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.